यहाँ तक अगर आपको डाउट नहीं है तो मैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रोसीड करूंगी, विच इज रियली इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, और यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हो जाती है। दिखेगा दिखेगा सब दिखेगा सब दिखेगा, मोटू अंकल दिखेंगे, पतलू अंकल दिखेंगे, सब दिखेंगे, लेकिन तुमको ध्यान रखना है कि तुमको क्या करना है। अभी तक मैंने आपको जितना भी समझाया उसमें मैंने यही समझाया कि जब कंपनी बनती है तो कंपनी को जो बनाने वाले लोग होते हैं वो क्या है, अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है। कंपनी के एक्शन के लिए ये लोग लाइबल नहीं होंगे, इनके एक्शन के लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी। यहां तक क्लियर है? क्योंकि ये दोनों क्या है, सेपरेट पर्सनालिटीज है। इतना समझा है आप लोगों को? कंपनी के पास ब्रेन है अप्लाई करने के लिए, नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन को ब्रेन कहां से मिलेगा? तो कंपनी के पास ब्रेन नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो कंपनी का ब्रेन कौन बनता है? डायरेक्टर्स, मैनेजिंग पर्सन, जो भी इस कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, वो कंपनी के क्या माने जाते हैं, ब्रेन माने जाते हैं। तो जो कौन, जो ऑपरेशंस को मैनेज करता है उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, या मैनेजिंग बॉडी बोलते हैं, या कुछ भी बोलते हैं, बराबर की नहीं? तो इस सिनेरियो में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ में बहुत सारे काम करते हैं, और कुछ काम सही होते हैं, कुछ काम गलत होते हैं। जो काम सही है उसके लिए तो हमको कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि लॉ ही है इंडिया का, इंडिया का लॉ नहीं है, लेकिन ये रूल बन जाता है कि अगर आप सही काम करोगे तो नोबडी विल रिमेम्बर यू, लेकिन आप जब गलत काम करते हो तो छोटी सी गलती सारे अच्छे काम आपके बिगाड़ देती है कि नहीं? तो आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, उस मिस्टेक को पूरी दुनिया याद रखेगी, बराबर कि नहीं? ये अपना मतलब ये फंडामेंटल रूल है सिटीजन ऑफ इंडिया का, जो फॉलो करते रहते हो। सो इग्नोरिंग द अदर पार्ट, मैं आपको बताना ये चाहती हूं कि अगर किसी कंपनी के जो कंपनी है जो खुद से ऑपरेट नहीं हो सकती है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए, इस कंपनी को ऑपरेट करने के लिए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजिंग बॉडी को अपॉइंट करते हैं, या इसको हम बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। ये लोग क्या करते हैं, कंपनी का ब्रेन बनते हैं, और कंपनी क्या ऑपरेशन करेगी, कैसे ऑपरेशन करेगी, कितना बिजनेस करना है, कितना टारगेट सेट करना है, सब किसका डिसीजन होता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या मैनेजिंग डायरेक्टर्स का डिसीजन होता है। तो इन ये क्या करते हैं, कंपनी के बिहाफ में बहुत सारे ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्ट सही है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो गलत कॉन्ट्रैक्ट उसका क्या, उसके लिए कौन लाइबल होगा, कंपनी या जो पर्सन है वो? कोई गलत काम किया, इन बीओडी ने मिलके कोई गलत काम किया, गलत काम किया जिससे थर्ड पार्टी को लॉस हुआ, थर्ड पार्टी को लॉस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होने देती नहीं है, आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट किसको देना चाहिए, कंपनी को या ये पर्सन जिन्होंने ये काम किया है उनको, पर्सन को ना, क्योंकि लॉ भी क्या बोलता है, कंपनी के पास ब्रेन नहीं होता है, वो खुद से कोई एक्शन ले ही नहीं सकता है, वो एक्शन को लेने के लिए कोई ना कोई तो लोग होते हैं जो कठपुतली की तरह क्या करते हैं, कंपनी को नचाते हैं। सो द डोज और द धागा जो रहता है, धागा किसके पास रहेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेगा, वो जैसा चाहे कंपनी को वैसा कंट्रोल करेंगे और नचाएंगे, बराबर की नहीं? तो जो काम आप सही करते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो काम आप गलत करते हो उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो जो बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं वो इसकी वजह से ही होते हैं, कंपनी खुद से फ्रॉड नहीं कर सकती, कंपनी को दिमाग ही नहीं है फ्रॉड करने का। फ्रॉड कौन करता है, कंपनी के पीछे जो लोग होते हैं बैठ के, वो लोग फ्रॉड करते हैं, और ये हमको मालूम कैसे पड़ता है कि कंपनी ने नहीं, इन लोगों ने फ्रॉड किया। तो जो एक कॉर्पोरेट विल करके एक कॉन्सेप्ट है, एक शेल्टर होता है, जहां पे कंपनी के बीच में और बीओडी के बीच में और थर्ड पर्सन के बीच में क्या होता है, एक शेल्टर होता है। तो यहाँ पे कंपनी है, इस कंपनी के बिहाफ में इसके बीओडी क्या करते हैं, काम करते हैं। तो नाम तो कंपनी का लेके काम करते हैं लोग, खुद का नाम सामने लेके नहीं आते, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, कॉर्पोरेट विल होता है, क्या होता है, एक कॉर्पोरेट विल, मतलब एक पर्दा होता है, पर्दा, उस पर्दे के पीछे कंपनी का नाम यूज करके डायरेक्टर्स जो है बहुत सारे काम करते हैं। तो इस पर्दा को लिफ्ट नहीं करते कभी भी, ये प्रोटेक्शन है ना, इसको हम उठा नहीं सकते कि देखो तो सही पीछे कौन क्या काम कर रहा है, नो यू कैन नॉट डू दिस। पर्दे के अंदर जो काम होनी है वो अंदर ही रहने वाली, इसको बाहर डिस्क्लोज नहीं करते हैं। कंपनी के बिहाफ में कंपनी के चार लोग होते हैं जो मिलकर ये काम करते हैं, उनका नाम सामने फ्रंट में नहीं आता है। तो
का नाम आता है, कंपनी ने किया ये काम, कंपनी ने किया ये कांड, ये ऐसा बोला जाता है। लेकिन जब कोई कांड हो जाता है ना कंपनी में, जैसे कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई पैसे लेके फरार हो जाता है, कोई इलीगल एक्टिविटी करता है, तो फिर जो पर्दा लगाया था ना मेंबर, मतलब जो शेयर होल्डर्स है, जो बाहर की दुनिया है उनके, और जो कंपनी के बीच में जो पर्दा था, वो पर्दा को उठाया जाता है कि देखे तो सही रियल डूअर कौन है, इस कांड को करने वाला एक्चुअल इंसान कौन है भाई, वॉज इट अ कंपनी, वॉज इट दिस पर्सन, दैट पर्सन, और एवरीवन। तो हमको वो गुनहगार को ढूंढने के लिए या उस पर्सन को ढूंढने के लिए कि जिस पर्सन ने ये कांड किया है वो पर्सन कौन है, पनिशमेंट तो मैं सबको नहीं दे सकती। अगर मेरी कंपनी में 10 BOD है, 10 BOD, 10 BOD में से मिलके 2 लोगों ने ये कांड किया हुआ जिसकी वजह से कंपनी का नाम बदनाम हो रहा है, तो क्या 10 के 10 को पनिशमेंट मिलनी चाहिए? नहीं, 2 को मिलनी चाहिए जिसने किया। वो 2 है कौन? आइडेंटिफाई ऐसे करोगे? इफ यू कीप दिस व्हील एक्टिव, अगर ये जो व्हील है आपका, जो कॉर्पोरेट व्हील है, ये अगर एज इट इज रहेगा तो नोबडी विल कम टू नो कि हु इज द रॉन्ग डूअर ऑफ दिस कंपनी। तो फिर कोर्ट क्या करती है इस सिचुएशन में? ऐसे सिचुएशन में कोर्ट आएगी इधर, और कोर्ट है ना इस पर्दे को लिफ्ट करेगी और देखेगी, अच्छा तुम थे, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत करते हैं, फ्री का खाना, फ्री का ट्रांसपोर्टेशन, सब तुमको मिलेगा, मतलब जेल में लेके जाने की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो पर्दे के पीछे पर्दा उठा के देखा जाता है कि एग्जैक्टली कौन है इस पर्दे के पीछे, जिसने ये कांड किया है उसको पनिश करेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है? तो ये जो पर्दा है ना, इसको कॉर्पोरेट व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब ये प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्शन की तरह यूज किया जा सकता है, प्रोटेक्शन यूज, प्रोटेक्शन की तरह इस कॉर्पोरेट व्हील को यूज करते हैं, मतलब कॉर्पोरेट का जो पर्दा है उसको हम कॉर्पोरेट व्हील बोलेंगे। इसको जनरली आप लिफ्ट नहीं कर सकते, आप पियर्स करके देख नहीं सकते, फाड़ के या उसमें छेद करके देख नहीं सकते, अच्छा ये कर रहा है, नहीं, यू हैव टू, यू कैन नॉट लिफ्ट इट अनलेस सर्टन सर्कमस्टांसेस आस्क यू टू डू दिस। और सिर्फ कोर्ट ही कर सकती है, और इन गिवन सिचुएशन ही किया जा सकता है, अदरवाइज आप इसको लिफ्ट नहीं कर सकते हो। इट विल प्रोटेक्ट द डूअर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर डूअर्स ने गलत काम किया है, इफ द डूअर बिकम्स अ रॉन्ग डूअर, तो उस सिचुएशन में कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करेंगे और जो रॉन्ग डूअर है उसको उठाएंगे और उसको पनिश करेंगे। यहाँ तो समझ रहे आपको मैं क्या बता रही हूँ? कॉर्पोरेट विल का पर्पज समझा क्या है? कॉर्पोरेट विल मतलब कॉर्पोरेट का एक पर्दा है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कंपनी को। अब देखो, अब ये जो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करना। जो ये अंकल, देखो ये जो अंकल कर रहे हैं ना कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर रहे हैं, तो पर्दा लगा हुआ है, ये कॉर्पोरेट है। अब कॉर्पोरेट के नाम पे देखो भैया क्या कर रहे हैं, खाना पीना खाए जा रहे, कंपनी के पैसे से खुद एंजॉय कर रहे हैं, या कुछ ऐसे एक्टिविटी कर रहे विच इज नॉट, विच वॉज नॉट सपोज टू बी डन बाय दिस पर्सन, सो ही इज द डायरेक्टर, जो गलत काम कर रहा है। तो यहाँ पे खाना लेकर आया, मतलब कंपनी के पैसे से गलत, कंपनी का जो पैसा है उसका गलत यूटिलाइजेशन हो रहा है। इट कैन बी एनी एक्टिविटी। तो जो कोर्ट है वो कोर्ट क्या करेगी, बोली कि रुको रुको रुको, देखते किस पर्दे के पीछे कौन कौन ही कांड कर रहा है। तो क्या करेंगे, देखो कॉर्पोरेट बिल को क्या कर रहे हैं लोग, लिफ्ट कर रहे हैं। पियर्स भी कर सकते हैं, पियर्स करना मतलब इसको फाड़ देना, ऐसे 2 टुकड़े करेंगे और फिर जाके देखेंगे कौन है इस पर्दे के पीछे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये क्लियर है? कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है पहले ये समझो, कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है पहले वो समझो। सो कॉर्पोरेट व्हील इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कंपनी का, विच गिव्स डिस्टिंक्ट लीगल, सॉरी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी, कि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, मैनेजर भी अलग है। ये क्या रहता है, डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट व्हील के थ्रू, कि कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर अलग है। तो कंपनी के हर कांड के लिए मेंबर रिस्पॉन्सिबल होगा क्या? नहीं, अगर मेंबर ने किया है तो मेंबर रिस्पॉन्सिबल होगा, मेंबर ने नहीं किया है तो जिसने किया है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। यहां तक क्लियर है? इट स्टेट्स दैट मेंबर ऑफ अ कंपनी इज नॉट लाइबल फॉर एनी फ्रॉडुलेंट एक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के एक्ट के लिए, वो भी कौन सा वाला, जो फ्रॉडुलेंट है, कंपनी के किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्ट के लिए कंपनी के मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। बराबर। अब मैं कंपनी कंपनी बोल रही हूँ, यहाँ पे कंपनी का मतलब फिर क्या इंक्लूड करोगे आप, मैनेजिंग डायरेक्टर या BOD, क्योंकि कंपनी खुद से नहीं ऑपरेट होती है, इसको चलने के लिए, चलाने के लिए 2 लोग लगते हैं। तो ये मान के चलो
तो कंपनी खुद से, अगर कंपनी ने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किया, देखो मैं जितने बार भी, मैंने जितने भी आपको केसेस बताए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी वाले, सत्यम है, किंगफिशर का केस हुआ है बराबर की नहीं, स्कैम 1992, वो जो कंपनी के साथ स्कैम हुआ है वो स्कैम हुआ। तो इसमें हम ना मेंबर्स को, मतलब डायरेक्टली हम ना डूबर को इम्पोज नहीं करते, हम पहले किसको बोलते हैं, कंपनी ने ये फ्रॉड किया, कंपनी ने किया, कंपनी का नाम बदनाम होता है। कल को अगर एक स्कैम बाहर आएगा, स्कैम बाहर आए तो कंपनी का नाम पहले डूबेगा। बीच में बिना मतलब का अफवाह चला था अडानी के ऊपर कि अडानी ने ये किया ये किया ये किया, उनके शेयर के प्राइस कितने नीचे गिर गए थे। किसने किया, उस पर्सन का नाम नहीं आता है हिट में, किसका नाम आता है, कंपनी का नाम आता है, क्योंकि आप कंपनी का नाम यूज करके वो सारे कांड करते हो, इसके लिए कंपनी का नाम टॉप पे रहता है। तो इसके लिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कंपनी वर्ड यूज हो रहा है। तो कंपनी ने अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किया, कंपनी ने अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किया तो उसके लिए उसके मेंबर जिम्मेदार होने चाहिए क्या, नहीं, कंपनी जिम्मेदार होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया कॉर्पोरेट विल का कॉन्सेप्ट। अब दूसरा क्या है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। कोर्ट के पास पावर है कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करने का। वो कब लिफ्ट कर सकते हैं, तो गिवन सिनेरियोस में ही लिफ्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते हो आप। गिवन सिनेरियोस क्या है, तो नीचे कुछ सिनेरियोस है, नीचे कुछ केसेस है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले ये पढ़ो कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का क्या मतलब होता है। सो इट मीन्स टू डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी एंड पे रिगार्ड्स टू द इंडिविजुअल मेंबर्स। तो ये जो मैं बोल रही थी, मेंबर आर नॉट अ कंपनी, मेंबर इज नॉट इक्वल टू कंपनी, तो बोलते हैं हम पहले क्या करेंगे, ये जो मेंबर डज नॉट इक्वल टू कंपनी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको निकाल देंगे बाहर, और हम बोलेंगे मेंबर ही क्या है, कंपनी है। सो इट मीन्स टू डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी एंड पे रिगार्ड टू द इंडिविजुअल मेंबर्स। जो भी इंडिविजुअल मेंबर्स है उनके ऊपर क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे। दूसरा, इन इट इज एन एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में हम हमेशा कंपनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बोलते हैं कंपनी अलग है मेंबर अलग है, लेकिन जब हम कॉर्पोरेट विल की लिफ्टिंग की बात करते हैं ना, तो ये इसका क्या बन जाता है, एक्सेप्शन बन जाता है। इसका मतलब आप जो सेपरेशन क्रिएट कर रहे हो, वो सेपरेशन सेपरेशन ये दिस आर वन पर्सनैलिटी इटसेल्फ, तो आप क्या करते हो, इसको एक्सेप्शन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल इज एन एक्सेप्शन टू सेपरेट लीगल एंटिटी। समझा आप लोगों को, या हाँ, या सेपरेट डिस्टिंक्शन या डिस्टिंक्ट एंटिटी बोल सकते हो, जो भी आपको बोल रहे हैं, जिससे आपकी समझ में आता है आपको कि ये दो चीजें अलग अलग है, उसका एक्सेप्शन है। सेकेंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड, हियर द एक्ट ऑफ द कंपनी एंड मेंबर्स आर ट्रीटेड एज सेम। डिसरिगार्ड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो मेंबर काम कर रही है और जो कंपनी काम कर रही है, हम उसको क्या मान लेंगे, सेम मान लेंगे। तो कंपनी ने काम किया, हम बोलेंगे मेंबर ने काम किया, समझा। तो मेंबर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए क्या हर एक्टिविटीज के लिए, नहीं। देखते हैं कब कब रिस्पॉन्सिबल होगा, वो भी देखेंगे। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल इज ऑल्सो टर्म्ड एज पियर्सिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल। इसको हम और क्या बोलते हैं, पियर्सिंग करना। पियर्सिंग करना मतलब उसको फाड़ना और देखना कि कौन है पीछे। और कॉर्पोरेट विल कैन बी लिफ्टेड, ऐसा नहीं कि आप कॉर्पोरेट विल को कभी लिफ्ट नहीं कर सकते हो। जब कोर्ट को लगता है कि कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करना चाहिए, तो उस मोमेंट पे कोर्ट क्या करेगी, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करेगी एज पर द कंपनीज एक्ट और एज पर द जुडिशियल डिस्क्रिशन। जुडिशियल डिस्क्रिशन मतलब ये क्या है, कोर्ट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट के जो जजेस है उनके ऊपर डिपेंड करता है कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करना है लिफ्ट नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अब क्या क्या सिनारियोज है जहां पे आप कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर सकते हो, क्या क्या सिनारियोज है जहां पे आप कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला सिनारियो क्या बोलता है, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब आप कंपनी का कैरेक्टर चेक करने के लिए क्या कर रहे हो, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर रहे हो। अब कैरेक्टर कैसे मैं बोलूं, जब मैं इंडिविजुअल के कैरेक्टर की बात करती हूँ तो अच्छा कैरेक्टर और बुरा कैरेक्टर की बात करती है। जब यहाँ पे हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो इट इज वेदर द कंपनी इज एनिमी और कंपनी इज अ फ्रेंड कंपनी। वो हमारी दुश्मन है या हमारी फ्रेंड है, वो डिटरमाइन करने के लिए हमको क्या करना है, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करना है। कि अगर अगर कोई कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, ये कंपनी सच में हमारी फ्रेंड कंपनी है या ये हमारी एनिमी है, ये चेक करने के लिए हमको इसका कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करना पड़ेगा। और ये क्यों ऐसा लग रहा है, ये क्वेश्चन ही क्यों आया कि ये फ्रेंड कंपनी है या एनिमी कंपनी है, क्योंकि इनके ट्रांजैक्शन से या इनके बिहेवियर से कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि जो इनके मेंबर है ना, वो मेंबर इंडिया के नहीं है, वो मैक्सिमम मेंबर कहाँ के हैं, बाहर के हैं। अब जो बाहर की कंट्री के हैं
क्या उस कंट्री के साथ मेरी कंट्री का डिस्प्यूट चालू है, क्या उस कंट्री का मेरी कंट्री के साथ वॉर चालू है? इफ आंसर इज यस, तो मुझको लिफ्ट करके देखना ही पड़ेगा कि भैया मैं इंडिया में अपने दुश्मन को पनाह देके बैठी हूँ क्या? और अगर ऐसा मालूम पड़ा कि यहाँ पे दुश्मन बैठे हुए, हमारे दुश्मन कंट्री के लोग बैठे हुए, तो हम क्या करेंगे? इमिडिएटली इनको सीज कर देंगे, इनके एक्शन को सीज कर देंगे, इनको कस्टडी में ले लेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि भाई बताओ आपका पर्पस क्या था, यहाँ पे आप क्यों आए हो, ये पूछताछ करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपने कॉर्पोरेट वे लिफ्ट किया और मालूम पड़ा अरे ये तो फ्रेंड है अपने, ये तो अमेरिका वाले लोग है, शिट गलती कर दी हम लोगों ने, फिर क्या करोगे आप? उनको सॉरी बोलोगे, सॉरी देख लिया हम लोगों ने, लेकिन आप चाइनीज नहीं निकले, आप क्या निकले? अमेरिकन निकले। तो अमेरिकन के साथ हमारी क्या है, अच्छी दोस्ती है, तो इसमें हम आपको कुछ करेंगे नहीं, तो आप इनको कुछ नहीं करोगे। तो आपको ये देखना है कि जिस कंपनी को हम पनाह दे के रखे हैं इंडिया में, या इंडिया जिस कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वो कंपनी फॉरेन कंपनी फ्रेंड है या एनिमी है, वो हमको डिटरमाइन करना होता है। तो यहाँ पे ना एक केस हुआ था, ये केस इंडिया का केस नहीं है, लेकिन ये केस कहाँ का है? फॉरेन लॉ का केस है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। डाइमीटर नहीं है ये, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी लिमिटेड, ये दो कंपनी है, ठीक है? अभी जो केस हुआ है ना, केस में देखती हूँ, मॉड्यूल में दिखा रहेगा, तो मैं केस आपको मॉड्यूल से पढ़ा दूंगी सीधा सीधा। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उसके पहले मैं आपको क्या करूंगी, एक बार बेसिक सा इंट्रोडक्शन की कैसे आपको ये, मतलब क्यों ये आपको क्लॉज अप्लाई करना है वो समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे ना एक कंपनी इंडिया में है, रजिस्टर्ड इंडिया में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन कंपनी बोलते हैं। अब इस इंडियन कंपनी का ना बाहर एक कंपनी के साथ क्या चल रहा था? ट्रांजैक्शन चल रहा था। अब ये जो बाहर कंपनी जो है, ये कंपनी रजिस्टर्ड जो हुई है, वो रजिस्टर्ड हुई है अमेरिका में, तो हमको क्या लग रहा है? हम अमेरिकन कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और हमारा जो वॉर है, कोल्ड वॉर चालू हो गया है चाइना के साथ, तो हमको लग रहा है जो इंडिया में जो कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है या आउटसाइडर कंपनी, वो कौन सी कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन या कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई जिससे ये समझ में आया कि नहीं, इसमें तो कुछ डाउट लग रहा है, तो इन्होंने क्या किया? लिफ्ट किया कॉर्पोरेट विल चेक करने के लिए कि भाई देखो तो सही, तुम क्या इंडियन कंपनी, अमेरिकन कंपनी हो या कोई चाइनीज कंपनी हो। तो जब कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया इस कंपनी का, तो मालूम पड़ा इस कंपनी के जो मेंबर है और जो मैनेजर है, वो सारे क्या है? चाइनीज है। तो हमारे इंडिया के लिए थ्रेट है कि नहीं है वो? तो इनके साथ ट्रांजैक्शन तुरंत हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ये तो एक सिनेरियो हो गया। एक ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है, ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है जहां पे ये इंडिया ही है, इंडिया में एक कंपनी है, मानो वो है एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड है, ये इंडिया में ही एक दूसरे कोने में इंडिया के एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है एबीसी कंपनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड इंडिया में ही हुई है, इंडिया में ही बिजनेस कर रहे हैं। इसमें ना दो ही लोग हैं, दो ही लोग हैं, दोनों क्या है? इंडियन है। इसमें सारे लोग क्या है? इंडियन ही है, तो कोई दिक्कत हमको नहीं, भी इंडिया में है, इंडियन लोग ही कंपनी बनाएंगे, और कौन बनाएगा? प्राइमरीली तो इंडियन लोग ही बनाते। फिर जब ये कंपनी को आप देखोगे, इस कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, तो इसमें एक इंडियन है, तीन चाइनीज लोग हैं, और एक जो है इसमें है वो बंदा है साउथ कोरिया का। तो मतलब ये क्या है? इंडिया की कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर हुई है, लेकिन इसके जो मेंबर है वो आउटसाइड इंडिया के हैं। अब इसमें मेजॉरिटी किसके है? चाइनीज के है। आइडिया भी जो है कंपनी का, वो चाइनीज का है। गुड्स भी कहां से आता है? चाइना से आता है, इंडिया में बिकता है, और इंडिया से चाइना को पैसा जाता है, बराबर की नहीं? अब ये ऐसी कंपनी और इन दोनों कंपनी के बीच में क्या चल रहा था? ट्रांजैक्शन चालू था, इन दोनों कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चालू था, जो ये लोग प्रोसेस कर रहे थे, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो इससे बल्क में परचेस करने का, ये रिटेलर बन के क्या करेगा? बाकी सबको बेचेगा, काइंड ऑफ अरेंजमेंट चालू है यहाँ पे। अब जब इंडिया क्या करती है? चाइना के साथ वॉर डिक्लेयर करती है, तो इंडिया को चाइना से सेव होना पड़ेगा कि नहीं? इंडिया की सिक्योरिटी सॉवरेनिटी खतरे में नहीं आनी चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? अभी ध्यान रखने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? कुछ चेकिंग करनी पड़ती है। तो जो सबसे पहला और जो प्राइम होता है चेक करने का पर्सपेक्टिव, तो आप देखो पहले कहाँ कहाँ पे चाइनीज लोग रहते हैं, फिर ऐसी कंपनी ढूंढो या ऐसी एंटिटी ढूंढो जिसमें आउटसाइड इंडिया के लोग ज्यादा है, या आउटसाइड इंडिया के लोग है, और गवर्नमेंट के लिए डेटा निकालना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जब गवर्नमेंट ने डेटा निकाला, तो उनको ये कंपनी ट्रैक हुई कि
ये कंपनी कैसी कंपनी है जिसमें इंडिया का एक बंदा, चाइना के 3 बंदे और साउथ कोरिया का एक बंदा बैठा हुआ है। तो कंपनी क्या करेगी, इस कंपनी का अपने जो कोर्ट है, अपने जो कोर्ट है वो इस कंपनी का कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट करेगी। ये जो 3 चाइनीज लोग है, आज की तारीख में जब इंडिया और चाइना का वॉर डिक्लेयर हुआ है, क्या ये 3 जो चाइनीज लोग है क्या इंडिया के लिए थ्रेट है? क्या इंडिया के लिए थ्रेट है? ये लोग रिस्क है इनसे, इंडियन को। यस, तो इनका कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट करेंगे। और जब इनको मालूम पड़ा कि अच्छा यहाँ पे चाइनीज लोग बैठे हुए हमारे घर में घुस के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और हम इनके साथ वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये ट्रांजेक्शन करने का एक दूसरा भी तरीका है, जैसे वॉर को क्या कर सके, लोग इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सके कि इंडिया में क्या क्या चल रहा है। तो ये रिस्क है ना इंडिया की सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटीज के लिए। तो कोर्ट क्या करेगी, ऐसा कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट करेगी और इन तीनों को भगाएगी यहाँ से, ये इंडिया में रुकने का नहीं। और इस कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसको बोलेगी सस्पेंड कर रहे हैं हम लोग, नाउ यू कैन नॉट कैरी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट विद दिस कंपनी, क्योंकि ये कंपनी में ऐसे लोग हैं जो इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। इसके लिए आप इनके साथ क्या नहीं करोगे, ट्रांजेक्शन नहीं करोगे। और इस कंपनी को हम सस्पेंड कर रहे हैं फॉर अ सर्टन पीरियड, जब तक वॉर चालू है तब तक। एक बार वॉर खत्म हो गया तो फिर से हम क्या करेंगे, सारी चीजों को बैक टू नॉर्मल पे लेके आ जाएंगे। ये क्लियर हो गया? तो आपको डिटरमाइन करना था कि ये जो कंपनी जो इंडिया में है, ये हमारी फ्रेंड कंपनी है या हमारी एनिमी कंपनी है। ये चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, इनका कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट करना पड़ा। लिफ्ट करने के बाद मालूम पड़ा कि ये एनिमी कंपनी है। जैसे ही एनिमी कंपनी है मालूम पड़ा, हमने जो अदर एक्शन लेने थे वो सारे एक्शन ले लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एक केस हुआ था, देखो क्या है, क्यों हम करते हैं कंपनीज का टेस्ट, इन लॉ रिलेटिंग टू द ट्रेडिंग विद द एनिमी वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब यही चेक करना है हमको कि भाई हम जिस कंपनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो कंपनी इंडियन, वो कंपनी हमारी फ्रेंड कंपनी है या एनिमी कंपनी है। तो डैमलर कंपनी लिमिटेड से कॉन्टिनेंटल टायर्स लिमिटेड का एक बहुत बड़ा केस हुआ था, जिसमें केस क्या है, इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू जियोपार्डी द कोर्ट में नॉट विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट शेल। अगर पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो कोर्ट को कोई इंटरेस्ट नहीं है लिफ्ट करके देखना, या जो कॉर्पोरेट बिल का जो शेल है उसको क्रैक करके देखना कि भाई तुम्हारे कंपनी के पीछे कौन है, हु इज द रियल डूअर, हु इज द रियल कंट्रोलर ऑफ द कंपनी। इसकी जरूरत नहीं है कब, जब सारी चीजें नॉर्मल है। बट इट मे रेंड द व्हील ऑफ अस फॉर असर्टनिंग वेदर द कंपनी इज एन एनिमी कंपनी। ये लोग ये यूज कर सकते हैं अपना पावर ये चेक करने के लिए कि कंपनी एनिमी कंपनी है क्या। एंड इट इज ट्रू दैट अनलाइक अ नेचुरल पर्सन कंपनी डज नॉट हैव माइंड और कॉन्शियस, नहीं ना कंपनी के पास खुद भी, सो देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ फ्रेंड और फॉय, फ्रेंड या एनिमी नहीं, कंपनी फ्रेंड या कंपनी एनिमी नहीं हो सकती है। लेकिन जो इसको मैनेज कर रहे हैं वो फ्रेंड या वो एनिमी तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। यस, सो इट मे हाउएवर बी कैरेक्टराइज एज एन एनिमी कंपनी इफ इट्स अफेयर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पीपल ऑफ एन एनिमी कंट्री। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस कंपनी को हम एनिमी कंपनी तब बोलेंगे जब इस कंपनी के जो लोग हैं जो इसके अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं वो क्या है, एनिमी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ही हम इसको एनिमी कंपनी बोलेंगे, वरना एनिमी कंपनी नहीं बोलेंगे। सो फॉर दिस पर्पस द कोर्ट मे एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन हु आर रियली द हेल्म ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जिनके पास एक पूरे अफेयर्स है, इस कंपनी का कंट्रोल है इनके कंपनी के अफेयर्स का, वो चेक करने के लिए कोर्ट क्या करेगी, कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है? ये जो पार्ट है कहाँ पे डिसाइड हुआ था, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर्स कंपनी के केस में डिसाइड हुआ था। अगर हमको चेक करना है कि हमारी कंपनी जो कंपनी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है वो फॉरेन फ्रेंड कंपनी है या एनिमी कंपनी है, वो डिटरमाइन करने के लिए कॉर्पोरेट बिल कोर्ट लिफ्ट कर देगी। पहला पॉइंट क्लियर है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सब मेरी तरह थक चुके हो, नीड अ ब्रेक, ब्रेकफास्ट ब्रेक, एनर्जी आ जाएगी। ये एक पढ़ा दू, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये पढ़ा देती हूँ, फिर उसके आगे भी जो है बड़े बड़े केस स्टडीज है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, ये पढ़ा देती हूँ। सेकेंड क्या है, सेकेंड आप कॉर्पोरेट बिल कब लिफ्ट कर सकते हो, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्सेस। इंडिया में टैक्स श्योर बहुत सारे लोग हैं, सबको एक ही कंसल्टेंसी चाहिए थी सीए के पास आने के बाद कि टैक्स नहीं भरना है, तरीके बताओ, बराबर कि नहीं?
सब लोग टैक्स चुराने के लिए अलग अलग पैकरे अपनाते हैं। तो यहाँ पे एक केस हुआ था दिनशॉ मानिक जी पेटित, इन्होंने भी टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे जुगाड़ लगाए थे, लेकिन अल्टीमेटली पाप का घड़ा इनका भर गया और इनका जो सारे जुगाड़ थे कोर्ट के सामने आ गया और कोर्ट ने क्या किया, इनके सारे एनिटीज को खारिज कर दिया। देखो आप है ना, अगर अपने टैक्स को बचाने के लिए जो भी जुगाड़ लगाओगे, सारे जुगाड़ अगर लॉ के अंदर रहकर करोगे तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन आप पकड़े गए लॉ के बाहर जाके किया और जिस दिन आप पकड़े गए ना, उस दिन आपके ऊपर हेफ्टी पेनल्टी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सन है जिनका नाम क्या है, दिनशॉ, सर दिनशॉ मानिक जी पेटित। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किए टैक्स की चोरी। कैसे किए, तो ये एक पर्सन है, मानिक जी एक पर्सन है, इनके पास ना बहुत पैसा है, बहुत पैसा होने की वजह से इनको लगता है कि मैं पैसे का टैक्स क्यों भरूं, मेरा पैसा है मैं टैक्स क्यों भरूं गवर्नमेंट को। तो इनके पैसे जो है ये लगाते कहां पर है, तो अलग अलग कंपनी के शेयर्स में लगाते हैं, शेयर्स खरीदेंगे तो उस पर क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मिलेगा तो इनका इनकम बन गया, या अलग अलग कंपनी को लोन के फॉर्म में दे देंगे, लोन लिया तो लोन दिया तो इनको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट विल बिकम हिज इनकम। तो इनको है ना इंटरेस्ट के फॉर्म में बहुत पैसे आते थे, मतलब अंकल इंटरेस्ट कमा बहुत कमा रहे थे, और जब अंकल इतना इंटरेस्ट कमा रहे थे तो अंकल के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं था कि टैक्स पे करे, उनको लगता कि पैसे मेरे हैं तो मैं टैक्स क्यों पे करूं, मैं टैक्स नहीं पे करूंगा। इसके लिए अंकल ने क्या किया ना, अंकल ने क्या किया, इंटरेस्ट और डिविडेंड का जो पैसा आता था अपने अकाउंट में नहीं लिया, उन्होंने क्या किया बहुत सारी कंपनी बना दी और जो पैसे इनके जो पैसे थे जो इनका इनकम था उसको उन्होंने घुमा दिया इस कंपनी में, अलग अलग कंपनी में पैसे डाइवर्ट कर दिए, और इन कंपनी को क्या दिखाया कि ये जो सरजी है इन्होंने क्या किया है, कंपनी को लोन दिया हुआ, सॉरी कंपनी से लोन दिया हुआ है। अब पैसे देखो इनके हाथ में आने हैं, इनको अपने हाथ में पैसे नहीं चाहिए, डायरेक्टली नहीं चाहिए, डायरेक्टली आ रहे तो क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग एंटिटीज बना दी, अलग अलग एंटिटी बना दी, अलग अलग कंपनी ने, मानो ए बी सी डी प्राइवेट लिमिटेड, चार कंपनी बना दी। अब इन्होंने अपने पैसे अपने अकाउंट में नहीं लिए, इन्होंने क्या बोला, ये पैसे इस कंपनी में आप लगा दो, कंपनी को दे दो, मुझको पैसे मत दो। अब जब पैसे इस कंपनी के हाथ में आए तो आप बैलेंस शीट में इनके दिखेंगे कंपनी के, अब पैसे यूज तो अंकल जी को करने हैं, तो अंकल जी ने क्या किया, इस कंपनी से लोन के फॉर्म में पैसे ले लिए, इनका जो इनकम था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, लोन में कन्वर्ट कर दिया, और लोन के हिसाब से क्या क्या उन्होंने लोन अपने पास ले लिया। तो इनके बैलेंस शीट में क्या आएगा, असेट साइड में लोन गिवन टू सर जी, बराबर की नहीं, और लोन ये सर की बैलेंस शीट में क्या आएगा, लोन में, लोन टेकन फ्रॉम एबीसीडी लिमिटेड कंपनी, बराबर की नहीं। तो इन्होंने क्या किया, ये ट्रांजैक्शन किया। तो ये कब तक करोगे आप, एक दिन तो पकड़ा भरना आपका, और एक दिन कोर्ट को स्टाउट है, ये जो कंपनी है ना, ये जो कंपनी आप बना रहे हो, ये एक्चुअल में आज कुछ बिजनेस कर ही नहीं रही है, कंपनी की बैलेंस शीट में दिख रहा है शेयर्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या दूसरी कंपनी में, मतलब इन्होंने अपने पैसे यहाँ घुमा, यहाँ से कंपनी में गए, यहाँ से फिर कंपनी को डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, और फिर ये पैसे यहाँ से क्या कर रहे हैं, निकाल के अपने हाथ में ले ले रहे हैं, ताकि इनके हाथ में क्या दिखे, वो लोन दिखे, इनकम ना दिखे। तो अपने लोन को, अपने इनकम को इन्होंने लोन में या लाइबिलिटी में कन्वर्ट किया और अपने हाथ में ले लिया। तो जब कोर्ट को लगा कि ऐसे कुछ कंपनी है जो खाली ना, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लोन दे रही है और लोन ले रही है और कुछ ऐसे काम नहीं कर रही है, इनके बैलेंस शीट में ना असेट है, ना क्रेडिटर है, ना सेल्स है, कुछ है ही नहीं, तो कंपनी बनाई क्यों है। तो कोर्ट को डाउट आया कि कंपनी का क्या मैटर है, तो कोर्ट ने क्या किया, इस कंपनी के सारे कंपनीज को कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट किया। अब जब कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट किया तो खाली उसके पीछे कौन दिख रहे हैं, दिनशॉ जी सर दिख रहे हैं, हर कंपनी के पीछे इनका प्रतिबिंब दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में कोर्ट बोला, अच्छा तो तुम हो, तुमने ट्रांजैक्शन क्यों किया, ताकि तुम पैसे, टैक्स वाले पैसे बचा सको, आओ आओ तुमको हम अभी आंकड़े में लेते हैं, और उन्होंने लिया और उसके बाद क्या किया, इन सरजी को अच्छे से पेनलाइज किया। समझ में आ रहा है, धन्यवाद सर, भगवान आपको बहुत अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे केस हुआ है, फटाक से केस सुन लो फिर मैं तुमको ब्रेक दे रही तुरंत ही। देखो दिनशॉ जी मानिक जी पेटित का केस क्या है, इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनी वॉज नॉट अ जेन्युइन कंपनी, कंपनी बनाई किसने थी, सर ने बनाई थी, तो जेन्युइन थी क्या वो, नहीं थी, क्यों, बट ऑल मेयरली द असेसी हिमसेल्फ डिस्गाइज्ड अंडर द लीगल एंटिटी ऑफ द लिमिटेड
कंपनी, इस सबके पीछे कौन था कंपनी में, आज यही था सर जी थे। सर जी ने कंपनी क्यों बनाई थी, ताकि वो क्या कर सके, अपने इनकम को कन्वर्ट कर सके लोन में और लोन ले सके उन कंपनी से, बराबर की नहीं। तो इन रियलिटी कंपनी एक्चुअल में कोई कंपनी नहीं, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, कंपनी इज इक्वल टू मेंबर इटसेल्फ, बराबर की नहीं। द हंसिंग थे अर्न ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड द इंटरेस्ट, सो ही ओपन सम कंपनी, उसने क्या क्या आपका कंपनी बनाई, कंपनी के शेयर्स परचेस किया इन एक्सचेंज इन बाय वे ऑफ हिज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो जिसको डिविडेंड और इंटरेस्ट के फॉर्म में जो पैसे आते थे, उसको उसने क्या बनाया, शेयर परचेस कर लिए बाकी के अपनी ही बनावटी कंपनी के। एंड दिस इनकम वॉज ट्रांसफर्ड बैक टू द एसोसिएट बाय वे ऑफ लोन, एंड द कोर्ट डिसाइडेड दैट द प्राइवेट कंपनीज वर शैम एंड द कॉर्पोरेट विल वॉज लिफ्टेड टू डिसाइड द रियल ओनर ऑफ द इनकम। समझा आप लोगों को केस? ओके ओके, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी के 3 पॉइंट और है जहां पर कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया जा सकता है, दैट वी विल डिस्कस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 15 टू 20 मिनट्स। कर लो आप आराम से ब्रेकफास्ट, मैं उसके बाद बताऊंगा, ठीक है।